रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से बहुत ज़बरदस्त खबर निकल के आ रही है। देखिए, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ बच्चों की तरफ से, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भर्ती को लेकर कुछ विद्यार्थियों के मन में गलत धारणाएं थी कि हो सकता है कि जो सिलेक्शन है सही समय पर नहीं हो पा रहा है या फिर सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो सरकार को भी थोड़ा सा यानी कि आंदोलन करने के पहले ध्यान देना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बहुत लेट कर दिया। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक एक छात्र एक सरकारी नौकरी पाने के लिए कम से कम दो दो चार चार साल, दस दस साल, बीस बीस साल मेहनत करता है। कई छात्र देखिए, अगर शुरुआत से ही उम्मीद ना हो बच्चे को तो वो मेहनत ही ना करे, कोई रोज़गार ढूंढ ले। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद के साथ में आप वो अपने परिवार को छोटी सी उम्मीद देकर बाहर निकल जाता है और चार चार छः छः साल पड़ा हुआ है घर परिवार को छोड़कर, तैयारी कर रहा है। इसके बाद में यदि डेट कंफर्म नहीं होती तो उससे बड़ी तकलीफ़ होती है। अगर डेट कंफर्म हो गई तो पेपर नहीं होता, और समय पे पेपर भी हो गया तो रिजल्ट समय पे नहीं होता, और सब कुछ भी हो गया तो भी वो जो केस है कई कई महीनों तक, कई कई सालों तक कोर्ट केस के चक्कर लगाता रहता है, और लास्ट में उसकी पूरी उम्र ख़राब हो जाती है और कहीं ना कहीं वो वापस अपने पुराने करियर को चुन लेता है। तो जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ था रेलवे का, कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ हुआ तो गलत है। लेकिन इसके साथ ही कुछ कोचिंग संस्थान ने भी बच्चों को उकसाने का प्रयास किया, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बच्चों ने कुछ ऐसे निर्णय ले लिए जिस जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे। और मैं तो ये कहता हूँ, कोई भी कोचिंग संस्थान किसी भी बच्चे को गलत रास्ता दिखाने का प्रयास नहीं करता है। हर कोचिंग संस्थान वाला कोशिश यही करता है कि बच्चे को न्याय मिले। हो सकता है न्याय के पक्ष को देखते हुए किसी कोचिंग संस्थान ने उन्हें बोला हो, लेकिन इतनी बड़ी दुर्घटना जो हुई है रेलवे के साथ में, जो बच्चों ने ट्रेन की बोगियों में आग लगा दी, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। ये हमारे देश के संविधान के खिलाफ है, और आप किसी भी देश की संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। यदि आप संविधान के खिलाफ जाकर या कानून के खिलाफ जाकर कोई भी काम करते हैं तो ये बहुत बड़ी गलतियां होती हैं। देखिए, कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं, कहते हैं RRB NTPC रिजल्ट ने जारी होने के बाद मचे बवाल के बाद रेलवे बोर्ड ने जांच के लिए कमेटी गठन किया कर दिया है। साथ ही मामले को लेकर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परीक्षार्थियों से संयम बरतने की अपील की है। देखिए, अपील की गई है, कहीं ना कहीं लेट हो गया, हो सकती थी ये चीज़ें पहले भी हो सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट तो हुआ है। अब इसको लेकर पटना के चर्चित खान सर, ये हमारे समझ लीजिए इस समय चर्चा के विषय में बने हुए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी फैन फॉलोइंग है इनकी, और लेकिन इन्होंने कभी किसी छात्र को गलत गुमराह नहीं किया, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ एक बात उठी है। कहते हैं इस दौरान उन्होंने कहा कि रेलवे भर्ती की गलतियों की वजह से ये आंदोलन हुआ था। ये खान सर के ऊपर बात हो रही है कि रेलवे भर्ती में कुछ ना कुछ गलतियाँ हुई थी जिसकी वजह से ऐसा कुछ हुआ, लेकिन अब ये आंदोलन थम चुका है, इसके लिए कमेटी गठित की गई है। कमेटी के समक्ष परीक्षार्थी अपना पक्ष रखेंगे और एक बेहतर रिपोर्ट आने की संभावना भी है। तो ये खान सर की तरफ से आपने सुना, ये चीज़ें थी। तो अब आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही अच्छा रेल मंत्री जी जो अश्विनी वैष्णव जी ने कहा कि मैं छात्रों से अनुरोध करता हूं कि वो कानून अपने हाथ में ले लें। बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, किसी भी छात्र को यह अधिकार नहीं है कि वो कानून को अपने हाथ में ले या किसी भी सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। ये बात बिल्कुल भी गलत है। यदि आप अपना भविष्य बनाना चाहते हैं तो शांतिपूर्वक ढंग से जो भी काम हो सकता है उसे आप करिए, और फिर आज की डेट में जो हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्रहित के लिए ही सब कुछ कर रही हैं। हो सकता है क्या समस्याएं थीं, कोविड का समय था और कहीं ना कहीं व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी, तो हो सकता है इस वजह से कुछ देरी हुई हो, लेकिन कभी भी सरकार किसी भी तरीके से गलत निर्णय आपको नहीं देगी। ठीक है, इसके बाद में और भी बोला गया इसमें कि उन्होंने कहा कि परीक्षार्थियों की समस्याओं की जाँच के लिए जाँच कमेटी का गठन किया गया है। इसके लिए RRB अध्यक्षों को छात्रों की चिंताओं को सुनने, उन्हें संकलित करने और समिति को भेजने के लिए कहा गया है। इसके लिए एक ईमेल भी बनाया गया है, देश के अलग अलग हिस्सों में कमेटी जांच करेगी। बता दें कि RRB NTPC रिजल्ट को लेकर परीक्षार्थी उग्र हो गए थे, मतलब रिजल्ट से संतुष्ट नहीं थे। इसको लेकर सोमवार को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर प्रदर्शन किया गया था।
इस दौरान कई ट्रेनों को रोका गया और कई ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन किया गया। इस दौरान सोमवार को रात में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की और आंसू गैस के गोले भी छोड़े थे। इसके विरोध में पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में परीक्षार्थी प्रदर्शन करने लगे और इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी में झड़प भी हुई थी। मतलब इस दौरान पे काफ़ी अधिक तरीके से, पहले दिन कुछ कम था, दूसरे दिन और भी अधिक हो गया। इस प्रकार 3 दिन में काफ़ी हद तक स्थितियाँ भयावह हो गई थीं। इसके लिए देखिए एक न्यूज़ और भी निकल के आई है। कहते हैं बिहार में छात्रों के बवाल में फंसे खान सर, स्टूडेंट के बयान पर पटना के कई टीचरों पर मुकदमा भी लग गया। मतलब बिहार में जो भी कोचिंग संस्थानें थीं जहां पर भी रेलवे की क्लासेस चलती थी, उन कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों पर भी मुकदमा लग गया है। RRB की गैर NTPC परीक्षा के रिजल्ट को लेकर चल रहे प्रदर्शन के मामले में पटना के पत्रकार नगर थाने में कोचिंग संस्थान खान सर पर बुधवार को मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। मामले में संभव है कि सिटी जो SP की रिपोर्ट आने के बाद पुलिसिया कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। मतलब इसमें अभी कुछ रिपोर्ट बाकी हैं। इसके बाद देखिए कुछ इस तरह की घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। ये सब चीज़ें बहुत ही गलत है। आप शांतिपूर्वक ढंग से सारी चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे, यदि कहीं ना कहीं प्रशासन को आप लोग परेशान करेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को मुसीबत का सामना करना पड़े, तो फिर बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप लोग अपनी मांगों को पूरा कर सकें, क्योंकि सभी कामों को शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कोशिश करते हैं कि सरकार ने जो भी फैसला लिया है छात्र हित में लिया है, और छात्रों को भी शांतिपूर्ण ढंग से सारा काम करना चाहिए। जो भी समस्याएं बीच में हुई हैं उनकी कहीं ना कहीं धीरे धीरे भरपाई होगी, और अब समस्याओं को और न बढ़ाइए और फटाफट आप सभी बच्चे सरकार के अगले फैसले तक का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।